प्रतिभाधानों करने किसानों के कृषि पंपों को दिन में 3 चरण की बिजली आपूर्ति की मांग की। इस मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर शुक्रवार 3 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर किसानों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मोर्चा निकाला और अधिकारियों को कमरे में बंद कर ताला मार दिया। इसके बाद विधायक प्रतिभा धानोरकर के नेतृत्व में तानाशाही सरकार का विरोध किया। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी ने जन आक्रोश देखते हुए 2 दिन में इस मांग को पूरा करने का वादा किया, लेकिन विधायक प्रतिभा धानोरकर ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर यह वादा पूरा नहीं किया गया तो मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित चंद्रपुर के कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शहर अध्यक्ष अनिल धानोरकर, वरुणा तालुका कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद भोयर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विलास टिपले, कृषि उपज बाजार समिति पूर्व अध्यक्ष विशाल पड़खल, कृषि उपज बाजार समिति पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र चिक्ते, मद्राती कांग्रेस शहर अध्यक्ष सूरज गावंडे, पूर्व नगर सेवक राजू महाजन, वरुणा तालुका महिला अध्यक्ष ऐश्वर्या खमनकर, मोनू चेमुरकर, प्रमोद मगरे, बसंत सिंह, नीलेश भालेराव, मनोहर स्वामी, फिरोज पठान, प्रमोद काले, पुरुषोत्तम पावड़े, रविन्द्र धोपटे, संजय खागी, गणेश खागी, रत्नमाला अहिरकर, माधुरी चिक्टे, सविता सुपी, योगेश खमनकर, अनिल जोटिंग, किशोर डुकारे, मयूर विरुटकर, अनिरुद्ध देठे, विलास कावंडे, सुधाकर कड़ुकर, किशोर डुकारे, प्रशांत साड़े, प्रमोद नाको से संदीप कुमरे, रितेश गदई, तनवीर शेख, महेश कोथड़े, निखिल राउत, गुरु थाई, सचिन पचारे मौजूद थे। चंद्रपुर जिला बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादक जिला है। 4,420 मेगावाट निजी एवं सरकारी बिजली उत्पादन केंद्र के माध्यम से होता है। जिले में बड़ी संख्या में झाड़ियां और बड़ा जंगल है। किसान रात्रि पाली में कृषि पंप के माध्यम से खेती में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। इस समय हिंसक जानवर किसान पर हमला कर रहे हैं, जिससे कई किसानों की जान जा चुकी है। विधायक प्रतिभा धानोरकर ने ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिनों के भीतर चंद्रपुर जिले में 24 घंटे 3 चरण की बिजली आपूर्ति नहीं की गई, तो वे जिले के बिजली वितरण कार्यालय में धरना देंगे, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाने पर आज तालाबंद के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिले में किसानों की बड़ी संख्या है। जिले में कृषि पंपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान है। जिले में 1 अप्रैल 2020 से कृषि पंपों के कनेक्शन की मांग के लंबित है। जो जुड़े हुए हैं उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाती है। कंपनी ने जिले में 3 फेज बिजली आपूर्ति का शेड्यूल घोषित कर दिया है। कृषि पंपों को सप्ताह में 4 दिन एवं 3 दिन रात्रि में 8 घंटे विद्युत प्रदाय की जा रही है, लेकिन 24 घंटे 3 फेज सप्लाई किसानों के लिए सुविधाजनक होगी। विधायक प्रतिभा धानोरकर ने चेतावनी दी है कि पूरे जिले के किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार महाजनकों से ग्रिड के माध्यम से 3 चरण की बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए। माहित आहे की संपूर्ण जिल्ह्यात विजेचा मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उद्भवलेला आहे आणि साधारणतः 6 दिवसाआधी मी एस सी मॅडम आणि सी साहेबांना सुद्धा निवेदन दिलं की आम्हाला 24 तास 3 फेज लाईन या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून द्यावी। हे करत असताना जिल्ह्याचा एकंदरीत जर विचार केला तर आपण बघितलं की चिमूर तालुका असतील, प्रॉपर बल्लारशा तालुका असतील आणि आमच्या माझ्याही विधानसभेत त्यांनी खांबाळा या सर्कलमध्ये कालपासून पूर्ण वेळ वीज पुरवठा हा चालू केला। मग तो एका तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद सर्कलला जेव्हा तुम्ही वीज पुरवठा देऊ शकता, मग इतर तालुक्यातील बाकी शेतकऱ्यांनी कोणतं पाप केलं? त्याच्यामुळे हा वीज पुरवठा आम्हाला रात्रीचा अजिबात नाही दिला तरी चालते, कारण आम्हाला रात्रीची विजेची गरज नाही। पण किमान मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीनं 12 तास आम्हाला दिवसाची लाईन दिली होती, आम्हाला 12 तास नाही दिले तर चालते, पण किमान 10 तास तरी आम्हाला रात्रीची न देता दिवसा ही 10 तासाची लाईन या MSEB ने आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी, ही प्रमुख मागणी आमची या ठिकाणी आहे। आपल्याला माहित आहे आता शेतकऱ्यांचा खरा हंगाम चालू आहे आणि साधारणतः 2 महिने जर का आम्हाला ही लाईन उपलब्ध करून दिली तर जानेवारी महिन्यापर्यंत आपला संपूर्ण चना असतील, गहू असतील, पूर्ण पेरणीचा हंगाम संपते आणि त्याच्यानंतर वाटलं तर आम्हाला लाईन नाही दिली तरी चालते, पण जोपर्यंत ही 10 तास दिवसाची लाईन आम्हाला उपलब्ध करून देणार नाही तोपर्यंत आमचं हे आजचं कुलूप बंद आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलं आणि हे आंदोलन करत असताना साधारणतः 1.5 तासापासून आम्ही या MSEBच्या ऑफिसला येऊ नाही, पण अजूनपर्यंत कुठलाही निर्णय हा हेड ऑफिसच्या माध्यमातून या ठिकाणी आला नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या या MSEBच्या अधिकाऱ्यांना एका रूममध्ये घालून आताच मी या ठिकाणी कुलूप ठोकून आम्ही यांच्या दरवाजावर बसलो। जोपर्यंत यांच्या हेड ऑफिसमधून हा निर्णय येणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही। याच्यासाठी आम्हाला कितीही दिवस या ऑफिसच्या समोर बसावं लागलं तरी चालेल, पण निर्णय दिला। NBC न्यूज के लिए वरुरा से चेतन लुतड़े के साथ सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।